बुंदेलखंड के छतरपुर में एससी वर्ग के दूल्हे की बारात पर पथराव करने का मामला सामने आया है। एससी वर्ग के दूल्हे को घोड़े पर सवार देख गांव के दबंग नाराज हो गए। उन्होंने दूल्हे की राश निकालने की बात पर पथराव कर दिया। घटना बक्सुआ थाना क्षेत्र के चोरे गांव में सोमवार शाम की है। पुलिस ने 50 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। कार्रवाई मंगलवार सुबह 4 बजे तक चलती रही। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल रहा। इसके साथ ही भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती की गई। घटना की जानकारी लगते ही एसपी और एएसपी सहित 2 थानों का बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद भी पथराव नहीं रुका। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। पुलिस की मौजूदगी में बारात को सागर जिले के सागर के लिए रवाना किया गया। बड़ा मलहरा डीएसपी शशांक जैन ने बताया कि बक्सुआ थाना क्षेत्र के चोरई गांव में बहुजन दूल्हे की बारात सागर जिले के सागर जिले जा रही थी। इससे पहले गांव में घोड़ी पर बैठकर दूल्हे की रास फहराई जानी थी, जिस पर गांव के एक जाति के लोगों ने विरोध किया। ये विरोध बलवा में बदल गया। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस सुरक्षा में रात फहराई गई। तब कहीं जाकर देर शाम रात सागर के लिए रवाना हुई, जो आज लौटी है। बारात को पुलिस की सुरक्षा दी गई। शादी के बाद भी अन्य कार्यक्रम पुलिस सुरक्षा में किए जाएंगे। आरोपियों पर रास्ता रोकने बलवा का प्रयास, बलवा पथराव, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट, धमकी देने समेत एससी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अभी आरोपियों के नाम नहीं बताए हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। दाम नम बुद्धा।